Hello students, I am गुरविंदर कौर. वेलकम टू अभिमन्यू IAS. और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पंजाब सिविल सर्विसेज. ए वेरी वॉम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन. और आज जो है हम यहाँ पे PYQ डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि PYQ का क्या इम्पोर्टेंस है, राइट? क्या क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या बेनिफिट है, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सी हियर स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम को अगर आपको उसको अंडरस्टूड करना है, उसके बारे में थोड़ा उसको समझना है, तो उसके दो मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज इट्स सिलेबस. सिलेबस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम की ये समझने के लिए कि भाई इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, राइट, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल, जो भी आपको पढ़ना है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट, उसमें से कितना पढ़ना है, वो आपको एक ओवरऑल एक गाइडेंस देता है, राइट, एक डायरेक्शन देता है वो आपको. सेकेंड थिंग है हमारी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. उसमें क्या है कि आपको ये समझ में आता है कि एग्जाम के अंदर डिमांड क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको क्लियर करने का या उस MCQ को अटेम्प्ट करने का क्या मेथड होना चाहिए. ठीक है, जिस टाइम हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उस टाइम पे हमारे माइंड के अंदर कौन कौन सी चीजें बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. सो इस तरीके से आपको एक ओवरव्यू मिलता है. PYQ आपको हेल्प करती है स्टूडेंट एग्जामिनर की डिमांड को समझने के लिए. जब आप कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो आपको एक ट्रेंड नजर आता है उसमें, राइट. ये अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो मे बी ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा. ऐसे मैं आपको डायरेक्टली ऐसा कुछ बोलने लग जाऊं तो मे बी शायद आपको समझ में ना आए. बट जैसे जैसे हम कंटिन्यू सेशंस करते जाएंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ जी, एग्जाम किस तरीके का है. PPSC जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर से किस तरीके से क्वेश्चन सब फ्रेम हो रहे हैं और क्यों फ्रेम हो रहे हैं. करंट अफेयर के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से वहाँ से पूरे डेप्थ में जाके क्वेश्चन पुट किया जा रहा है या फिर उससे ऊपर ऊपर पूछा जा रहा है या उसकी मेजर जितने भी उसके कंपोनेंट्स है उस पर क्वेश्चन आ रहा है, राइट. तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा. सेकेंड थिंग, जब जो अभी आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का जो भी आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हो उसके बारे में भी आपको पता चलता है कि भाई स्टैटिक के अंदर भी हमें किस पोर्शन पे किस तरीके से उसको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, बेसिक साइंस से आ रहे हैं, बेसिक एडवांस में से आ रहे हैं, ठीक है, पॉलिटी में से, क्वेश्चन में से, कौन से सेक्शन में से एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, राइट. तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी बेटर बन जाती. आप अपनी प्लानिंग जो है वो आप बेटर बना सकते हो रिगार्डिंग दैट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन. कोई भी एग्जामिनेशन हो सकता है, XYZ, मैं जनरली बात कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो हम यहाँ पे PPSC कोड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, मैंने यहाँ पे जो पेपर लिया दैट इज 2013 का पेपर है, A सेक्शन है ये. ठीक है, सी हियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसा नहीं करूंगी कि भाई मैं एक ही दिन में आपको सारा पेपर पढ़ा दूं. नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके हम डिस्कस करते जाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे. इट मीन्स कि हम सिर्फ उसके आंसर्स नहीं देखेंगे, उससे हम डिटेल्ड वे में यहाँ डिस्कस करेंगे. इससे आपको 2-3 बेनिफिट्स होंगे. सबसे पहले आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा टॉपिक्स का भी. ठीक है, आपकी थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी उन टॉपिक्स की. सेकेंड थिंग, आपको इंपॉर्टेंस भी पता चल जाएगी हर एक ऑप्शन की. सी हियर स्टूडेंट्स, जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो सबसे पहले वो PYQ देखते हैं. इट्स अ फैक्ट. ठीक है, वो PYQ ही देखेगा. क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उसको ये समझना है कि भाई मेरे को पेपर कैसे सेट करना है ना, तभी तो वो पेपर बनाएगा, राइट. तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बहुत सारी स्टेटमेंट्स उठा लेता है पीछे वाले पेपर में भी, या कई बार कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है. आपने बहुत बार रिपीटिशन देखा होगा क्वेश्चंस का. ठीक है, कि हाँ क्वेश्चन रिपीट हो गया, पिछले 2018 में आया, इस बार भी आ गया, 14 में आया, अब भी आ गया, है ना. तो बहुत बार होता है. इवन यूपीएससी में भी आप देखोगे कि वो एक दो क्वेश्चन है, जैसे राइट टू प्राइवेसी क्वेश्चन था, वो कंटिन्यू 2-3 बार आ गया एग्जाम में. ठीक है, तो इस तरीके से रिपीटेशन भी होते है. तो इससे आपका वो चीज भी बिल्कुल एरिया बिल्कुल कवर हो जाएगा कि हाँ जी, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसको आराम से अटेंड कर सको. ठीक है। तो मतलब पांचों उंगलियां वो घी वाली बात हो जाती है, ठीक है, कि भाई फायदा ही फायदा है पीवाई करने का, नुकसान कोई नहीं है यहाँ पे, है ना, ना टाइम वेस्ट है ना कोई आपका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप जो है इस कंटिन्यू इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखना, ठीक है। कोई सजेशन है, कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ओके ओके लेट्स सी। पीपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है स्टूडेंट्स, बट फिर भी, है ना, सारे क्वेश्चन गलत कराओगे फिर तो क्या ही बनेगा आपका, मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, ठीक है। तो सी हियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम रीड करते हैं। द क्वेश्चन क्या है, इंडिया ऑब्टेन ऑब्जर्वर स्टेटस, इंडिया ऑब्टेन ऑब्जर्वर स्टेटस, वन सेकेंड स्टूडेंट। ओके लेट्स सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिया ऑब्टेन्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन द आर्कटिक काउंसिल, द काउंसिल हैज 8 मेंबर्स। आर्कटिक काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या बोल रहे हैं वो, काउंसिल के अंदर कितने मेंबर है, 8 मेंबर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ आर्कटिक सर्कल, नॉट द मेंबर पूछे। तो जब भी नोट वाला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, नॉट पूछा होता है, तो हमेशा आप नॉट को क्या करो यहाँ पे, इस तरीके से आप उसके ऊपर राउंड फिगर जरूर करो उसको। वाई, क्योंकि इससे आपको ध्यान में रहेगा कि नॉट पूछा है। कई बार आप क्या करते हैं एग्जाम में फटाफट से करने के चक्कर में हमें ऑप्शन पता होता है, उसका आंसर भी पता होता है, तो हम फटाफट मेंबर वाले पे लगा देते, नहीं नॉट पूछा उसने, ठीक है। तो सीयर स्टूडेंट्स, तो क्या है यहाँ पे, आर्कटिक काउंसिल है हमारी, ठीक है, आर्कटिक काउंसिल के बारे में पूछा गया है, ठीक है, काउंसिल के बारे में यहाँ पे पूछा गया। उन्होंने बोला है कि 8 मेंबर्स है उसके, कौन सा मेंबर नहीं है, इंडिया को कौन सा स्टेटस मिला है, ऑब्जर्वर स्टेट, ऑब्जर्व करने के लिए वहां पे है, ना कि वो उसका मेंबर है, ठीक है, फर्क होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, रशिया करेक्ट ऑप्शन है, यूएसए करेक्ट ऑप्शन है, स्वीडन भी, यूके जो है दैट इज नॉट द मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल, That is not the member of Arctic Council. See here students, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिटेल्ड डिस्कशन भी लिखी, आप उसके बारे में देखते हैं। See here, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये मैंने खुद से लिखे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आईपैड की हेल्प से मैंने यहाँ पे इसके अंदर एडिटिंग की है पीडीएफ के अंदर। सो मे बी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है या आपको क्लियर कट ना दिखाई दे, क्योंकि वहां पे हम बहुत छोटा लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऐसे थोड़ा ज्यादा ही बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा शायद स्क्रीन के अंदर, बट प्लीज आप बस समझने की ट्राई करना, ठीक है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो आप बस समझो, ठीक है, ओके ओके। सी हियर स्टूडेंट्स, एज पर ओटावा डिक्लेरेशन, ओटावा डिक्लेरेशन जो थी वो फॉर द आर्कटिक काउंसिल के लिए बनाई गई थी। इसके अंदर 8 कंट्रीज है, टोटल कितनी कंट्रीज है, 8 कंट्रीज है। कौन कौन सी हैं, सी हियर स्टूडेंट्स, कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएसए, ठीक है। तो इसमें कहीं पे भी हमारे मार्क नहीं है, कौन सा, यूके, ठीक है। ये सारी की सारी कंट्री कहीं ना कहीं आर्कटिक सर्कल के साथ क्या करती है, बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है, ओके ओके। ओके ओके लेट्स सी फर्दर। हमारा सेकंड क्वेश्चन, हम यहाँ पे वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना इज ए पेंशन and life insurance fund scheme introduced by the Ministry of External Affairs, तो यहाँ पे महात्मा गांधी प्रवासी पेंशन योजना की बात की गई है और वो ये भी बताया गया कि कौन सी मिनिस्ट्री वो उसको अप्लाई कर रही है, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रही है उसको। सेकंड है द स्कीम इज फॉर द ओवरसीज इंडियन वर्कर्स हैविंग इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट्स, ठीक है। ओवरसीज कौन से होते हैं, जो पर्सन है तो वो इंडिया के इंडियन ओरिजिन है बट अभी वो माइग्रेट कर गए हैं किसी और कंट्री के अंदर, वहां रहकर वो क्या कर रहे हैं, वहां पे अपनी वहां पे रह के वो एम्प्लॉयमेंट मतलब यू नो एम्प्लॉयज है वहां पे वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, बट वो है इंडिया के लोग, ठीक है, और उनके पास पासपोर्ट कौन सा होगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट है, ठीक है। तो ऑन ओवरसीज यहाँ पे जो ओवरसीज हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, ओवरसीज इंडियन वर्कर्स हैं, ठीक है, जो दूसरी कंट्रीज में जाके काम करते हैं, वर्कर्स की बात की जा रही है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक क्या निकाली है, प्रवासी सुरक्षा योजना निकाली, जिसके अंदर उनको पेंशन और लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। पेंशन की जब वो इंडिया में वापस आ जाएंगे तब उनको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी और लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा कि मान लो अगर उनकी लाइफ में कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो इंश्योरेंस का पैसा उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, बोथ वन एंड टू, वन ओनली, टू ओनली, नन ऑफ द अबव। सी हियर स्टूडेंट्स, ये स्कीम बिल्कुल इंट्रोड्यूस की गई है 2013 में इंट्रोड्यूस की गई थी, फिर 2018 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बट आफ्टर सो मच डिमांड इसको 2022 में वापस से रिवाइव कर दिया गया, ठीक है। तो अभी भी ये रेलिवेंट है, अब इस बार हो सकता है दोबारा से उसी पे क्वेश्चन आ जाए क्योंकि 2022 में इसको वापस से क्या कर दिया गया, रिवाइव कर दिया गया, ठीक है, फिर से कंटिन्यू कर दिया गया। बट इट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज, ठीक है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज ने यहाँ पे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। लेट्स सी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ इसके बारे में। तो सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, ठीक है, MGPSA was a social security scheme for OIW मतलब कि overseas workers के लिए having ECR passport, it was launched by Ministry of Overseas Indian Affairs, ठीक है। ये Ministry of Overseas के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, कब, 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2013 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, बट वापस से इसको क्या कर दिया गया, यहाँ पे रिवाइव कर दिया गया 2022 के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया, फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन बचा, बचा ऑप्शन टू, दैट इज कि हाँ जी द स्कीम इज फॉर द ओवरसीज विच हैविंग ECR पासपोर्ट, ठीक है। तो हमारे पास बी है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ओनली सी। करेक्ट ऑप्शन क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, ओनली सी, ऑप्शन टू ओनली। क्लियर है यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्लियर है, ठीक है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, सो दैट यू नो आप इसमें से पूरा पूरा 101% इसका फायदा उठाओ, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स इसको शेयर करना, ठीक है, ओके, एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, व्हाट इज UG99, ठीक है, UG99 के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है। तो UG99 क्या चीज है, तो क्या रहे, ए न्यूली डिस्कवर्ड ब्लैक होल लोकेटेड इन द कंस्टेलेशन, ठीक है। ये एक पूरा फैक्चुअल है, ठीक है, फैक्चुअल है, न्यूज में था उस टाइम पे, इसलिए वहां पे क्वेश्चन आया। फिर वो कह रहे कि वीट रस्ट डिजीज विच हिट्स द स्टेम ऑफ वीट प्लांट, द एस्टेरॉयड विच हैड ए क्लोज पास विद अर्थ इन सेप्टेम्बर 2030। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, दैट इज सी ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन, दैट इज वीट रस्ट डिजीज विच हिट्स द स्टेम्स ऑफ द वीट प्लांट। ये एक फंगल डिजीज है स्टूडेंट्स, फंगल डिजीज है, क्या करती है ये, हमारे प्लांट का जो स्टेम होता है, मतलब सॉरी वीट का जो स्टेम होता है उसके ऊपर ऐसे रस्ट की तरह से लग जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है UG99 की, ठीक है, जिसकी वजह से वीट की क्रॉप जो है उसको बहुत ज्यादा वो डैमेज हो जाती है इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। ओके डन है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम यहां पे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे हम स्टूडेंट्स। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट से पढ़िए इसको, क्या है, अंडर द कैंपेन क्लीन इंडिया इंडियन, कैंपेन क्लीन इंडियन, एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ONGC हैज अडॉप्टेड 6 monuments डेस्टिनेशन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग वन अमंगेस्ट दीज। ठीक है, कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यहाँ पे क्या किए, 6 मोन्यूमेंट्स को सेलेक्ट किया फॉर द टूरिज्म पर्पस। वो कौन कौन से हैं, उनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला ताजमहल, भाई अब ताजमहल एक इतना अच्छा मोन्यूमेंट है तो उसको तो पक्का करेंगे ही करेंगे, है ना, बिल्कुल फेमस है, वो तो होगा ही होगा, ऑलरेडी वो एक बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इसमें तो आपको कोई शक होना नहीं चाहिए। सेकेंड है अलोरा एंड एलिफेंटा केव्स, दिस इज ऑल्सो वेरी यू नो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट केव्स हैं यहाँ पे और बहुत फेमस हैं, बहुत अट्रैक्ट करती हैं टूरिज्म को इन महाराष्ट्र। दोनों ही केव्स कहाँ पे मिलती है, हमें महाराष्ट्र के अंदर मिलती है। ठीक है, बची हमारी चार मीनार। चार मीनार एक मॉस्क है, कहाँ पे प्रेजेंट है ये, तेलंगाना के अंदर प्रेजेंट है ये। ठीक है, तेलंगाना के अंदर प्रेजेंट है चार मीनार, तो इसको ऐड नहीं किया उन्होंने, डी चार मीनार को यहाँ पे ऐड नहीं किया। बाकी तीनों जो है वो मेंबर हैं, मतलब यू नो अडॉप्टेड हैं किसके लिए, मोन्यूमेंट्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। ठीक है, नॉट पूछा यहाँ पे स्टूडेंट, नॉट देखा, नोट वाले कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, आगे भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो इनके बारे में हम यहाँ पे स्टूडेंट्स रीड करते हैं। सी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं यहाँ पे सी फोर्थ क्वेश्चन, देखिए आप यहाँ, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, द केव्स वर डेवलप्ड इन द पीरियड बिटवीन 200 बीसी टू 650 एडी के अंदर इनको डेवलप किया गया। कब डेवलप किया गया, 200 बीसी से 650 एडी में यहाँ पे डेवलप किया गया। द अजंता केव्स वर इंस्क्राइब्ड बाय बुद्धिस्ट मोक्स। ठीक है, जो अजंता केव्स है ज्यादातर उसमें क्या है स्टूडेंट्स, पेंटिंग्स है, ज्यादातर उसमें क्या है पेंटिंग्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके अंदर पेंटिंग्स है ज्यादातर। ठीक है, आपको पेंटिंग्स मिलेंगे किससे रिलेटेड, बुद्धा की लाइफ से, महात्मा बुद्ध की लाइफ से। ठीक है, मॉन्क्स ने ये रेडी किया यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे इनको डेवलप किया अंडर द पैट्रोनेशन ऑफ द वेंकटा किंग हरिश्चंद्र। ठीक है, इसको डेवलप करने में एक वहां के किंग थे, रूलर थे, वेंकटा डायनेस्टी के, कौन से, हरिसेना, उन्होंने यहाँ पे इनको बनाया था। ठीक है, उन्होंने इनको बनाया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेंकटा जो वहां की डायनेस्टी थी, उनके किंग थे हरिसेना। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एलोरा की, तो एलोरा जो केव्स हैं स्टूडेंट्स, इज ऑल अबाउट स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू 3 डिफरेंट रिलीजन्स, कौन कौन से, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैनिज्म। जो हमारी एलोरा की जो यू नो केव्स हैं, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे आपको स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, और तीनों ही रिलीजन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, हिंदू रिलीजन से भी रिलेटेड मिलेगा, बुद्धिज्म से रिलेटेड भी और जैनिज्म से रिलेटेड भी। सीयर स्टूडेंट, ये जो एरिया है ना, ये बहुत ज्यादा रिलीजियस परस्पेक्टिव से एंशियंट टाइम से बहुत ज्यादा फेमस रहा है। ठीक है, एंशियंट मिडिवल टाइम के अंदर यहाँ पे जैन मॉक्स, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉक्स और हमारे हिंदू कल्चर के बहुत सारे साधु और यू नो मेडिटेशन करने वाले लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पे वो लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन क्या बना स्टूडेंट्स, फोर्थ का, दैट इज चार मीनार, ठीक है, करेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, व्हाट इज जियो पारसी। जियो पारसी के बारे में वो बात कर रहा है, यू नो दैट पारसी एक हमारे हिंदू के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक रिलीजन है पारसी। ठीक है, कम्युनिटी है, ठीक है, बहुत ही प्रोमिनेंट कम्युनिटी है, बहुत ही 100% इनका लिटरेसी रेट है, एक एजुकेटेड एक बिजनेस कम्युनिटी है ये पारसी। ठीक है, पारसी कम्युनिटी। अच्छा, पारसी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे क्या स्कीम चलाई गई है, एन अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म, नहीं ये तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली, पारसी जो है वो क्या है हमारी जियो पारसी स्कीम चलाई गई है, तो ये तो नहीं है। फेमस म्यूजिक एल्बम नहीं है। स्कीम टू इंक्रीज द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ पारसी, बिल्कुल सही। वैसे तो इंडिया अभी 2035 तक इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। ठीक है, हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, फिर भी हमारे यहाँ पे कुछ जो कम्युनिटी है, ठीक है, कुछ जो रिलीजन है वो ग्रो नहीं कर रहा है, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि पारसी कम्युनिटी की पहले से ही पॉपुलेशन बहुत ही कम है। ठीक है, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा, बिजनेस बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग, ठीक है, बहुत ही यू नो मॉडर्न और सिविलाइज्ड सोसाइटी है ये, एक मतलब कम्युनिटी है एक, ठीक है। और यू नो दैट कि लिटरेसी रेट जो है वो कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है, अफेक्ट करती है हमारी यहाँ की यू नो पॉपुलेशन, सोसाइटी को, हर जगह पे, है ना। जब भी हम पढ़ लिख जाते हैं तो आपको पता है आपकी थॉट प्रोसेस, आपका यू नो हर चीज़ चेंज हो जाती है, यू नो आप बहुत अलग एंगल से सोचना शुरू कर देते हो। तो जो लोग हैं वो इतने बिजी हैं, ठीक है, कि मैरिजेज का जो रेट है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो इनकी पॉपुलेशन जो है पारसी की वो कम होनी स्टार्ट हो गई, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो पारसी कम्युनिटी को यहाँ पे सेव करने के लिए, मतलब कि उनकी पॉपुलेशन इतनी कम ना हो जाए कि एक दिन ऐसा हो कि जो उनकी पॉपुलेशन है वो बहुत बिल्कुल वाइप आउट हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जियो पारसी स्कीम चलाई गई है, जिसके अंडर गवर्नमेंट जो है वो कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है, सो दैट जो पारसी लोग हैं वो जल्दी शादी करें, ठीक है, उनके यू नो आगे उनकी जनरेशन जो है वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरीके से जियो पारसी, भाई पारसी जियो जियो आप आशीर्वाद देते हैं ना, वैसे टाइप कुछ, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हिंदू मुस्लिम इन सबको तो जरूरत है नहीं, खैर बाकी कम्युनिटीज को किसी को जरूरत नहीं है जियो कुछ भी जीने के लिए, सब वैसे बहुत वो है, ठीक है, बहुत पॉपुलेशन है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे सीए स्टूडेंट्स। तो क्या है, जेनविक के बारे में पूछा गया है। जेनविक जो है, जेई जो है, जेई जो है that represent Japanese encephalitis। Japanese encephalitis एक disease है students, एक viral disease है। Genvac जो है it is a indigenously produced Japanese encephalitis vaccine। Yes, it is a Japanese encephalitis के against एक vaccine है जो indigenously develop की गई है। It is live attenuated vaccine। नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब आप वैक्सीन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो आप वैक्सीन में क्या पढ़ते हो, वैक्सीन क्या चीज है स्टूडेंट, वैक्सीन क्या है पहले आप ये समझो। आप सबने वैक्सीन लगवाई होंगी। वैक्सीन का मतलब होता है स्टूडेंट कि आप इनएक्टिवेटेड या फिर वीक फॉर्म के अंदर आप क्या करते हो, पैथोजन को, कोई भी पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, कुछ भी हो सकता है, उस पैथोजन को आप अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्शन या फिर ओरली क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो। जैसे होता क्या है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन जाता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करते हैं, है ना। अब हमारी यू नो हमारी बॉडी को तो नहीं पता कि वो लाइव है या जिंदा है या मर गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या फिर वो वीक है, नहीं। हमारी इम्यून सिस्टम का एक ही काम होता है कि जैसे ही कोई पैथोजन एंटर किया उसी टाइम उसको किल कर देना, उसी टाइम उसको क्या करना है, किल करना है बाय एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं हमारी बॉडी। अच्छा, आप मेरे से पूछोगे कि व्हाट इज मैम एंटीजन और एंटीबॉडी। सी हियर स्टूडेंट्स, एंटीजन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, एंटीजन का मतलब होता है फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन जैसे कि पैथोजन, पैथोजन क्या है, फॉरेन है ना, हमारी बॉडी के लिए बाहर से आया वो। एंटीबॉडी बनती है एंटीजन के अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट क्या चीज बनती है, एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। इस एंटीजन को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। तो जब भी हम वैक्सीन देते हैं स्टूडेंट, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनएक्टिवेटेड थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर हम उस पैथोजन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड आफ्टर दैट हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है। फाइट करने के बाद स्टूडेंट वो मेमोरी सेल्स बना के रख लेती है। मैंने वर्ड यूज किया स्टूडेंट्स, मेमोरी सेल। अच्छा, मेमोरी सेल्स क्या चीज है, जब भी स्टूडेंट हमारे साथ, हमारी किसी भी कंट्री के साथ वॉर होती है, अभी आर्मी क्या है, आर्मी दुश्मन से लड़ती है ना, जस्ट लाइक आवर वैक्सीन, आवर एंटीबॉडीज, ठीक है। अभी आर्मी हमारी दुश्मन के साथ लड़ती है और जब हम उसको हरा देते हैं तब हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट के अंदर हर चीज लिख कर रख लेते हैं कि भाई आर्मी ने किस तरीके से अटैक किया, उसने कौन से वेपन्स यूज किए, सो दैट जब भी नेक्स्ट टाइम अटैक हो तो हम पहले से रेडी हों, हमारे पास पहले से हमें पता हो कि भाई ये कौन सा वेपन यूज करने वाला है या किस तरीके की फॉर्म है, सो दैट हम, अगर हमने पहली वॉर के अंदर उसको 10 दिन में हराया तो दूसरी वॉर में हम उसको 2 दिन में हरा देंगे, ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान के टेररिस्ट, ठीक है, वो आते हैं और यहाँ आर्मी उनको एलिमिनेट कर देती है क्योंकि आर्मी वालों को पहले से ही पता होता है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे है, इट इज नॉट अ लाइव, है लाइव नहीं हो सकता स्टूडेंट, लाइव अगर आपने ऐसे जिंदा अगर कर दिया बाई चांस हमारी बॉडी ना लड़ पाई उसके साथ तो हमें क्या हो जाएगा, जैपनीज एंसेफलाइटिस हो जाएगा, मतलब हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जैपनीज एंसेफलाइटिस इज ए बैक्टीरियल डिजीज, नो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया जैपनीज एंसेफलाइटिस इज द वायरल डिजीज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा डी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा डी। अगर आपको वैक्सीन का पूरा चैप्टर समझना है तो आप कमेंट करना नीचे से, ठीक है, तो मैं आपको वैक्सीन के बारे में भी थोड़ा नेक्स्ट टाइम थोड़ा डिटेल में बता दूंगी, ठीक है, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हो गया हमारा डी ऑप्शन हो गया, ठीक है, ओके ओके। लेट्स मूव फर्दर, मूव करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जैसे जैपनीज एंसेफलाइटिस इज ए वायरल इन्फेक्शन दैट कॉज, अच्छा सी यर स्टूडेंट, अगर आप आप क्या करना, साथ के साथ पीडीएफ लेकर बैठना, जब भी आप इस लेक्चर को सुन रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, आप साथ के साथ पीपीएससी की पीडीएफ खोल के बैठना, मेक श्योर करो कि आप उसकी हार्ड कॉपी लो और उसके साथ 2-3 पेज अटैच कर लेना, सो दैट मैं यहाँ पे जो भी बोल रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ, आप उसको क्वेश्चन के साथ साथ लिखते जाना, ठीक है, उसकी डिटेल्ड फॉर्म में आप लिखते जाना। इससे होगा क्या कि आपके पीवाईक्यू आप भूलोगे भी नहीं और आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। ऐसे वो नहीं होना चाहिए कि हाँ जी आपने सुन ली और बस फिर हो गया, ठीक है, आपको लगे नहीं, उसको बार बार रिवाइज करो, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि यार ऐसे क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, ठीक है, रिवाइज ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। बिना रिवीजन के तो आप कुछ भी पढ़ लो स्टूडेंट, उसका कोई भी रेलिवेंस नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ओके ओके। लेट्स मूव फर्दर, क्या बोल रहे हैं, अच्छा इसको कॉज करने के लिए कौन सा हमारा वायरस है, दैट इज फ्लेवीवायरस, दैट इज फ्लेवीवायरस दैट बिलोंग्स टू द सेम जीनस एज डेंगू, येलो फीवर एंड नाइल फीवर। अच्छा मॉस्किटो इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्यूलेक्स, मॉस्किटो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्यूलेक्स, ठीक है, मॉस्किटो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, क्यूलेक्स, ठीक है, ओके ओके। लेट्स मूव फर्दर, ओके, 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीयर स्टूडेंट्स, आई नो कि थोड़ा ऐसे पीडीएफ बार बार ऐसे हो रही होगी, कम ज्यादा हो रही होगी, लेकिन ये पीडीएफ है स्टूडेंट, तो ऐसा होता है थोड़ा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट डोंट वरी स्टूडेंट्स, हमें कोई इतना कोई ऐसा कोई खास ऐसा कोई भागम भागी में नहीं करना है ना, हमें आराम आराम से बहुत अच्छे से करते जाना है, ठीक है। सो ऐसा मत सोचना कि भाई बहुत छोटा है या इस तरीके से बार बार ये हो रहा है, तो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, पीडीएफ है ना इसलिए थोड़ा, ठीक है, ओके ओके। लेट्स सी 7th नंबर क्वेश्चन, नेम द फुटबॉल, अच्छा फुटबॉल प्लेयर है और आगे कंट्री का नाम पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो भाई फैक्ट है, ठीक है, जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उसको ये पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं होगा ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स, दैट इज बी, करेक्ट इसका ऑप्शन है, ठीक है। ए का 2 मतलब कि मॉरियोस जो हमारे माता है वो कौन से है, हमारे 2 स्पेन के प्लेयर है, गेर्थ बेले जो है वो हमारे 3rd मतलब कि वेल्स के हैं, वो रॉबर्ट जो है वो 4th, ठीक है, पोलैंड के प्लेयर हैं, और मोरक्को जो है वो हमारे जर्मनी के प्लेयर है, ठीक है, मार्को, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। लेट्स सी फर्दर मूव करते हैं हम यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग The entitlement under the Janani Shishu Suraksha Karyakram JSSK of Ministry Health and Welfare Family Welfare Government of India. Dear students, this is a very important scheme students. आज भी इसकी relevance उतनी ही है जितनी पहले थी. जननी शिशु सुरक्षा मतलब कि मदर और चाइल्ड, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, जब प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है बच्चे की, तो न्यू बॉर्न चाइल्ड और मदर को क्या होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा उनका उस टाइम पे बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है। 48 आवर्स तो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, ठीक है। इवन उससे पहले भी बेबी की जो हेल्थ है, ठीक है, फीटस की जो ग्रोथ है उस पर कंटिन्यू जो है उसको मॉनिटर करते रहना पड़ता है, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और मदर की हेल्थ भी क्या रहनी चाहिए, सही रहनी चाहिए, हेल्दी रहनी चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो स्कीम चलाती है, मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो यहाँ पे एक स्कीम लेकर आई है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। क्या है इसमें, पहली स्टेटमेंट देखो, फ्री एंड जीरो एक्सपेंस डिलीवरी प्रेग्नेंट वीमेन एक्सक्लूडिंग सी सेक्शन। सी सेक्शन क्या होता है, मतलब जब आपके जो बच्चा है वो नॉर्मल ना होके सी सेक्शन मतलब कि उसको सर्जरी के थ्रू उसको आउट किया जाता है। सेकेंड है फ्री ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल। थर्ड वन इसेंशियल डायग्नोस्टिक एट नॉमिनल चार्ज, एट नॉमिनल चार्ज मतलब कुछ पैसा लिया जाएगा। फोर्थ है फ्री एंड जीरो एक्सपेंस ट्रीटमेंट ऑफ सिक न्यू बॉर्न टिल 30 डेज आफ्टर बर्थ। 30 डेज बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है जब भी एक न्यू बॉर्न बेबी के बर्थ के बाद। तो क्या ऑप्शन है सी हियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिया हुआ इन्होंने, ये बोल रहा है 1, 2 एंड 3, 2 एंड 4, 1 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। सीयर स्टूडेंट्स, पहला बोल रहा है कि फ्री एंड जीरो एक्सपेंस डिलीवरी एक्सक्लूडिंग सी सेक्शन। नहीं, सी सेक्शन को आप कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, इट इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है। तो इसके अंदर सी सेक्शन को भी इंक्लूड किया गया है, सो दैट्स वाई ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। सेकेंड है फ्री ड्रग्स, बिल्कुल फ्री ड्रग्स एंड कंज्यूमर मिलते हैं। इसेंशियल डायग्नोस्टिक एंड नॉमिनल कॉस्ट, नहीं स्टूडेंट्स, इसमें सब कुछ आपको फ्री मिलता है, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री मेडिकल, फ्री आपकी डिलीवरी, फ्री सी सेक्शन, ठीक है, फ्री यहाँ तक कि अगर आपको घर से पेशेंट को लेकर जाना है, ठीक है, प्रेग्नेंट वीमेन को, और फिर उसको घर तक वापस छोड़ना आफ्टर 48 आवर्स हॉस्पिटल से, ये भी गवर्नमेंट ही पे करती है उसके लिए, ये भी गवर्नमेंट ही इसको यहाँ पे अफोर्ड करती है। फोर्थ है फ्री एंड जीरो एक्सपेंस ट्रीटमेंट सिक न्यू बॉर्न, अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, वो बीमार है, तो 30 डेज तक अगले तक उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो एक्सपेंस के ऊपर उसको क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। दैट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, बी ऑप्शन, 2 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है यहाँ पे, डन है स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे करते हैं, 8 क्वेश्चंस हो गए हमारे, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो स्टूडेंट्स प्लीज आप कमेंट करना, शेयर करो, लाइक करो स्टूडेंट्स इस चैनल को, और डेली बेसिस पे आपके यहाँ पे आपको यू नो अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। हो सकता है एक दिन का ब्रेक आ जाए बीच में या कैसे भी, बट ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आपको ये न्यू इनिशिएटिव कैसा लगा मेरा, ठीक है, आपको कितना समझ में आया, क्या हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक्स मुझे डिस्कस करने चाहिए, या फिर मुझे बहुत फास्ट तरीके से करना चाहिए, या फिर इसी स्पीड से करें हम, ठीक है। तो आप जो भी आपके क्वेरीज हैं, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।